जो कपिंग का हमारा प्रोसेस चल रहा है ये है ग्रेविटी कपिंग, जो हम बेसिकली इन पेशेंट के जो है एक फेशियल डिजीज है उसके लिए हम कर रहे हैं। तो फेशियल डिजीज का मतलब है कि स्किन में, मसल्स में, बेसिकली मसल्स में स्टिफनेस, अंदर में उसके गांठें पड़ना या उसका हार्डनेस, इन्फ्लामेशन, ये जब कंडीशन आती है, हम अधिकतर लोग इस चीज़ के लिए अवेयर नहीं है, इसको हम समझ नहीं पा रहे हैं कि हमें प्रॉब्लम क्या है। हम सिंपली समझते हैं कि ये मांसपेशियों का दर्द है जो धीमे धीमे चला जाएगा। ध्यान रखें, अगर 3 हफ्ते से ज़्यादा आपके पेन, इन्फ्लामेशन और आपकी जकड़न बनी हुई है, देन आपको अवेयर होने की जरूरत है, आपको किसी डॉक्टर या थेरेपिस्ट से मिलने की जरूरत है। ये फेशियल डिजीज है जो बेसिकली ऑटो इम्यून डिजीज है, उसकी कंडीशन मैं बता रही हूं कि ये कंडीशन इसकी है कि पैरों में इस तरह से अंदर की नसें जो है वो उभार आ जाती है, ये इन्फ्लामेशन आ जाता है यानी स्वेलिंग जिसको बोलते हैं, और इस तरह से अगर आप देखेंगे तो ये जो है हार्डनेस, टाइटनेस जिसको हम कहेंगे, ये आ जाता है मसल्स के अंदर। अब इसमें पेन भी होगा, बट नेचुरल है, जब इन्फ्लामेशन आई है तो पेन भी होना है। तो इसका कैसे करेंगे आप उपाय, क्योंकि ऑटो इम्यून डिजीज मींस कि आपकी इम्यूनिटी ने आपके ऊपर अटैक कर दिया, जिस जो फाइट करनी थी, जिसको आपके अगेंस्ट डिजीज के, उसने आपके ऊपर ही अटैक किया है। तो डोंट वरी, आप उसको ओवरकम कर सकते, ऑटो इम्यून डिजीज को आप खत्म नहीं कर सकते, ये आप पहले तो ट्रूथ अपने एक्सेप्ट कर ले। तो उसको आप खत्म नहीं कर सकते लेकिन उसको ओवरकम कर सकते हैं। तो इसमें हम क्या करें, मसल्स में हमारे इन्फ्लामेशन आ गया, मसल्स में पेन आ गए, स्टिफनेस आ गए, इसके लिए हम डिफरेंट डिफरेंट थेरेपीज को किस तरह से इंक्लूड करेंगे। तो सबसे पहले क्या करना है, आपके घर में जो भी तेल है उस तेल से आपकी मसाज करनी है। मसाज जो है मसल्स पेन में, स्टिफनेस में सबसे अच्छा रोल, जो है अहम रोल मसाज का होता है। तो इस फेशियल डिजीज के लिए भी मसाज जो है वो आपका सबसे मेन जो है वो थेरेपी जो है वो होगी। आपको करना क्या है, आपको अगर बीपी के पेशेंट नहीं है देन आप किसी भी डायरेक्शन में अपने हाथ को ले जा सकते हैं, बट अगर हाई बीपी के पेशेंट है तो ध्यान रखना है नीचे से ऊपर की तरफ आपके हाथों का डायरेक्शन बिल्कुल नहीं चलेगा, हमेशा ऊपर से नीचे आएगा हाई बीपी के केस में, अदरवाइज आप अपनी सुविधा के हिसाब से कर सकते हैं। तो करना क्या है, थंब और बाकी के 4 फिंगर्स पे और ये गैपिंग में आपको प्रेशर अप्लाई करना है ताकि आप इस से उसे रिलीज कर सके, वहां के स्टिफनेस को और वहां जो मसल्स जो है वो जकड़े हुए हैं उसकी स्टिफनेस को दूर करनी है। तो दूर करने के लिए ये मसाज जो है वो आपके बहुत ही बेहतर काम करेगा। दूसरी चीज क्या है कि हम इसमें हीटिंग थेरेपी, हीट थेरेपी जितनी ज्यादा पहुंचा सकते हैं वो हीट थेरेपी हम इसमें देंगे। हीट थेरेपी का बेसिकली काम क्या होगा कि वो रिलीज करेगा मसल्स को, जो उसको है वो टाइटनिंग जो है वो खत्म करेगा। ये कपिंग क्या है, आप देखें अगर फंक्शन, तो ये कपिंग में हमने कपिंग सक किया है, दूसरा हमारे पास यहाँ हीट का ऑप्शन है, हमने इसको हीट भी कर दिया साथ के साथ। अब ये कपिंग भी हो रही है और इसकी हीटिंग प्रॉपर्टी भी आ रही है, तो नसों को रिलीज करने का, मसल्स को रिलीज करने का ये बहुत अच्छा काम जो है यहाँ पे इसके साथ हो रहा है। ये देखिए, ये खिंचाव आ रहा है, फिर ये हटेगा धीरे से। तो ये इस तरह से जब हम करते हैं तो ये थ्योरी जो है ये सिर्फ आपके थेरेपिस्ट के पास है, या आप प्लीज घर पे इसको अप्लाई अपने आप इंस्ट्रूमेंट को लेकर बिल्कुल नहीं करना है आपने, ये आप थेरेपिस्ट के पास जाके कर सकते हैं, बट आपकी मसाज जो है वो आप खुद करेंगे और करनी भी चाहिए। दूसरी चीज है, अब हम इसमें हीट कैसे प्रोवाइड करें, तो हीटिंग के लिए हमारे पास जैसे हीटिंग पैड होती है, आप हीटिंग पैड को जनरली यूज करके इसको हीट पहुंचा सकते हैं। आपने इसको रख दिया 15 मिनट 20 मिनट के लिए हीट पहुंचा सकते हैं, अदरवाइज आपके पास घरेलू जो भी नुस्खा है, कपड़े को गर्म करके पोटली बना के पानी में पैरों को डुबा के इस तरह से आप हीट को डिफरेंट डिफरेंट तरीके से दे सकते हैं। अब खाने में क्या अप्लाई करें, खाने में वो चीज़ अप्लाई करनी है जो आपके मसल्स को रिलैक्स दे, जैसे मेथी दाना लेनी है, लहसुन आपको मैक्सिमम लेनी है, और कुछ एक्सरसाइज। ध्यान रखें, इसमें एक्सरसाइज का बहुत बड़ा रोल है, मसाज और एक्सरसाइज दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब एक्सरसाइज हम कैसे करेंगे जिससे हमारे स्टिफनेस जो है वो थोड़ी सी कम होगी, एक पैर को उठाना है, पैरों को जब आप उठाएंगे इसको, अब ऑलमोस्ट आपका 90 डिग्री हो जाना चाहिए अगर हो सकता है तो, अदरवाइज ये ठीक है इस पोजीशन में। आपने इसको राइट पैर को उठाया, लेफ्ट डायरेक्शन में ले जाएंगे और चेहरा जो है वो आपका अपोजिट डायरेक्शन में आएगा। ये कंडीशन होगी बिस्तर पे, अगर आप करेंगे तो धीरे 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 इसको बिस्तर को टच कर देंगे। अब अगेन आप इसको ओरिजिनल पोजीशन पे लाएंगे, ओरिजिनल पोजीशन से नाउ बैक टू द ओरिजिन, ओरिजिनल पोजीशन पे आएगा। अगेन सेकंड पैर को लेंगे, सेकंड पैर को उठाया हमने, लेफ्ट को उठाया, अब इसको राइट डायरेक्शन में लाएंगे और चेहरे को अपोजिट डायरेक्शन में ले जाएंगे, ये हमारी पोजीशन बनेगी। और जितनी देर तक आप होल्ड कर सकते हैं करेंगे, सांसों का इसमें तालमेल कुछ नहीं है, आप अपने हिसाब से नॉर्मल ब्रीदिंग
एक्सेल और इनहेल करते चले जाएंगे। ये एक कंडीशन है आपकी एक्सरसाइज की। दूसरी कंडीशन है, आपने दोनों पैरों को उठा लिया एक साथ, और अगर आप इस तरह से सपोर्ट दे सकते हैं तो ठीक है, अदरवाइज अगर आप सपोर्ट नहीं दे सकते ज्यादा देर, आप अपने हाथों का सहारा लेके इसको इस तरह से लेंगे। यानी हमें मांसपेशियों पे प्रेशर अप्लाई करना है ताकि वो रिलीज होता चला जाए। तीसरी मैं एक एक्सरसाइज बता रही हूँ, जो कर सकते हैं वो लोग करेंगे, अदरवाइज बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं देना है। आपके पास कोई भी बेड या टेबल हो, आपने अपने पैरों को उठा दिया और इस तरह से आप उस पोजिशन में बिल्कुल रिलैक्स खड़े रहेंगे। अब आप ध्यान देंगे कि आपकी पूरी पैरों की नस जो है वो खींच रही है, मसल्स में जो है टाइटनिंग जो है वो धीरे धीरे रिलीज होगी। तो प्रॉपर ये 90 डिग्री का एंगल बना हुआ है मेरे दोनों लेग के बीच में, ये इस पोजीशन में आपने बारी बारी से अपने दोनों लेग को ध्यान रखना है। जिसके पैर बहुत ज्यादा नहीं उठ रहे हैं वो बिल्कुल कोशिश एकाएक ना करें, आप छोटी कुर्सी से उठाते हुए करें। और ये पोजीशन अगर आप बनाएंगे तो आपके फेशियल डिजीज में बहुत ज्यादा जो है उस चीज का इफेक्ट पड़ेगा। तो थोड़ा सा अवेयर हो जाएं आप अपने लिए, महिलाएं खासकर थोड़े से पेन को जो है वो बहुत ज्यादा इग्नोर करती रहती हैं कि तो पेन हो रहा है तो कोई बात नहीं कोई बात नहीं, बट इसका कोई निदान आपका नहीं मिल पाएगा अंग्रेजी दवाइयों में या कहीं भी। तो आप प्लीज अपने खुद के डॉक्टर बने और अपने आप को बिल्कुल स्वस्थ रखें। करनाल प्लस को फॉलो करते रहें ऐसे नेचुरल ट्रीटमेंट के लिए। मैं लीना श्रीज्ञान, नेचुरोपैथी एंड ऑल्टरनेटिव थेरेपी एक्सपर्ट नई दिल्ली से, मुझसे मिलने के लिए करनाल के नंबर पर आप संपर्क करें। थैंक यू।